हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो मैं आज आलू का पराठा बना रही हूँ डिनर में, जो मेरा बेटा को बहुत पसंद है। तो सबसे पहले मैं आलू बॉईल करके ठंडा करने के लिए रख दी हूँ, और दूसरी तरफ मैं मैदा गूँथ के रख दी हूँ, और एक तरफ मैं बारीक कटा हुआ प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च तथा धनिया का पत्ता को बारीक कट के रख दी हूँ। दूसरी तरफ मैं गैस में एक पैन चढ़ाया। पैन चढ़ाने के बाद गर्म होने पर मैं 2 से 3 चम्मच सादा तेल डाली। गर्म होने पर जीरा का फ़ोरन डाल के उसमें जितनी भी कटी हुई हरी मिर्च, प्याज, लहसुन, अदरक ये सब था, उसको सारे को मिला के मैंने ब्राउन होने तक उसे भुना। उसके बाद में स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, थोड़ा गर्म मसाला डाल के उसको अच्छी तरह से एक मिश्रण तैयार किया मसाला तथा। दूसरी तरफ देखिए मैदा, मैदा को मैंने बेलन किया। बेलने के बाद जितने भी मसाला तैयार किया हुआ था आलू पराठा बनाने के लिए, वो मसाला भर के मैंने उसे बेल के अच्छी तरह से तावा में पका लिए। कल जो मैं घी बनाई थी, देसी घी, उसी घी से ही आज मैं आलू का पराठा बनाई, और मेरा आलू का पराठा तैयार हो गया है। और देखिए धनिया का चटनी भी बना ली हूँ। धनिया का चटनी और हम लोग दही के साथ में खाते हैं, आप लोग जिससे पसंद है आप उससे खा सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।